वेलकम टू दून एक्वा प्लैनर और आज हम आए हैं पर्ल एक्वेरियम एंड पेट स्टोर में। ये धर्मपुर में है और देहरादून में है। तो आज हम यहाँ का शॉट लेने वाले हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फिशेस अवेलेबल है। तो आज हमारे साथ है मनिंदर सिंह, पर्ल एक्वेरियम के ओनर। हेलो मनिंदर सिंह। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया एक छोटा सा शॉट लेने के लिए अपनी शॉप का। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी कुछ फिशेज के शॉट लेते हैं और आप बताइए कि प्राइसेस और ये फिशेज कहाँ से बिलोंग करती है और कैसे इनको रख सकते हैं। चलिए, तो पहला टैंक जो हम कवर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये प्लांटेड टैंक है। महेंद्र सिंह आप बताइए कौन सा टैंक है ये? प्लांटेड टैंक है बेसिकली, इसमें टेट्रास की वैरायटी है। इसमें एक आपको रेडफिन टेट्रा मिलेगा और एक हॉकी स्टिक टेट्रा है। आजकल लोगों को बहुत क्रेज है जैसे प्लांटेड एक्वेरियम्स का ना, तो ये प्लांटेड एक्वेरियम्स ये क्या है, लो मेंटेनेंस टैंक है। और इसमें सिर्फ आपको लाइट चाहिए और अच्छा फिल्ट्रेशन चाहिए। लाइव प्लांट्स आपके बहुत अच्छे चलते हैं और मतलब जल्दी से क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिशेज छोटी छोटी फिशेज रखिए, लो मेंटेनेंस और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आती हैं। जैसा कि मैं आपको और एक फिशेज दिखाऊंगा अभी, उसमें जैसे फिशेज होती हैं वो बहुत अच्छा कलर्स और बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है इनकी और एक्टिव रहती हैं सब फिशेज। अच्छा, इनको इनके प्राइसेस क्या होंगे, कौन कौन सी फिशेज? ये जो हॉकी स्टिक टेट्रा है ये 80 रुपीज़ का पेयर है। इसमें बता सकते हैं हॉकी स्टिक कौन सी होगी? ये जो लाइनिंग वाली है ना, जिसके ऊपर रेड कलर की लाइनिंग है। अच्छा, हाँ ये ऑर्किस्टिक टेट्रा है। एक इसी में ही हमारे पास रेडफिन टेट्रा है, जैसे आप देखते हैं इसमें रेड कलर की जो टेल है ना, इसे रेडफिन टेट्रा कहते हैं। कि एक और वैरायटी है इसके अंदर, ये शार्पी टेट्रा है। हाँ जी, क्या प्राइसेस होंगे इनके? ये लगभग सब 80 रुपीज़ की प्राइस में है, 80 रुपीज़ पेयर के। और जो इसके अंदर एक प्लांट है ये क्या प्राइस मिलेगा? ये बेसिकली जावा फर्न है, ये आपको 170 रुपीज़ का पॉट पड़ता है। एक पॉट में मतलब क्या होता है कि 5-6 आपके पत्ते होते हैं और पूरा एक फाइबर का पॉट होता है नीचे। तो नेक्स्ट टैंक ये कौन सा है बताइए? ये वाली इलेक्ट्रिक डेनियोज है। इलेक्ट्रिक डेनियोज ये बेसिकली एक इम्पोर्टेड फिश है, बट ये बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में आती है। इसमें हम आपके पास अभी फिलहाल मेरे पास इसके अंदर ग्रीन कलर जो है वो खत्म हो रखा है, पैरेट ग्रीन कलर में आता है। और इसमें मेरे पास कुछ फुल मून की वैरायटी है, फुल मून फाइटर्स, जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। हाँ जी, उसके पीछे है। ओके, हाँ जी, ये भी प्लांटेड में चल जाता है, ये भी प्लांटेड की फिश है। ये दोनों मतलब प्लांटेड में आप डाल सकते हैं आराम से, ये सब आपकी बहुत प्लांटेड में चलेंगी और अच्छी मतलब होता है। ये भी 80 रुपीज़ के पेयर में है। ओके, और ये फुल मून बेटा हमारे कितने के मिल जाएगा? फुल मून बेटा जो है वो 300 रुपीज़ का ईच है। ओके, हाँ, इसकी आपको फीमेल भी मिल जाएगी क्योंकि ये दो मेल साथ में नहीं रहता है। हाँ जी, तो इसमें आपको फीमेल भी मिल जाएगा अगर आपको पेयर रखना। अच्छा, फीमेल ये है जल्दी के, बड़े अट्रैक्टिव कलर में आती है। आप होम डिलीवरी वगैरह भी कराते हैं? नहीं सर, होम डिलीवरी तो नहीं होती है क्योंकि अच्छा होम डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती लाइव स्टॉक में। तो कस्टमर को हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, अपनी पसंद से लेकर जाइए, कैसे कलर्स में होता है, तो कस्टमर को एक अपनी चॉइस का फिश मिल जाता है। होम डिलीवरी हम लोग फूड में प्रोवाइड करते हैं, बट लाइव स्टॉक में आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं। चलिए, आपके शॉप का मैं एड्रेस और नंबर, आपका पर्सनल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डालूंगा, जिससे लोग कॉन्टेक्ट कर पाएंगे आपको। नेक्स्ट फिश कौन सी है आप बताइए? ये पिंक जेब्रा फिश है, ये भी एक डैनियो की इंडियन वैरायटी है। इसका प्राइसिंग थोड़ा सा कम रहता है, ये 25 रुपीज का पेयर पड़ता है आपको। अच्छा। और ये भी प्लांटेड में गोल्ड फिश में, दोनों में कंपैटिबल है। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे कलर आते हैं, जिसमें डैनियोज में मेरे पास एक आपको पिंक कलर मिल जाएगा और एक इसमें इसे ब्लू डैनियो कहते हैं, जिस जो स्ट्राइप वाला है। ये मॉली फिशेज है, ये भी प्लांटेड में आराम से रह लेती हैं और ये और फिशेज के साथ भी कंपैटिबल है प्लांटेड की फिशेज से। इसका 30 रुपीज़ का पेयर है। सारी मतलब जितने भी आप, हाँ, इसमें कोई भी कलर्स में आप लीजिए, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है और येलो कलर है, ये सब जो है 30 रुपीज़ का पेयर है। तो इनका साइज इतना ही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब ये थोड़ा जाइंट हो जाता है। अब इसे प्लांटेड में तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको? नहीं नहीं नहीं, प्लांटेड अगर आपने अच्छे प्लांट्स लगा रखे हैं तो उसमें प्लांटेड की जरूरत नहीं पड़ती। ये रोजी बाप की वैरायटी है, ये 40 रुपीज़ का पेयर रहता है, बट ये भी बाप की वैरायटी है, गोल्ड फिश के साथ कंपैटिबल नहीं है, विदाउट गोल्ड फिश में ही चलता है, मतलब गोल्ड फिश के साथ नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब गोल्ड फिश के आई थिंक ये फिन निप करते हैं ना, मतलब काटते हैं। हाँ जी, ये उसको काटेगी। अच्छा, ये प्लांटेड में डाल सकते हैं मतलब? हाँ, प्लांटेड में आप इसे डाल सकते हैं, प्लांटेड में ये बहुत अच्छा चलेगा और मॉलिज के साथ और डेनियोज वगैरह के साथ ये बहुत अच्छा कंपैटिबल है। ये एल्बिनो लोच और रेड टेल लोच है, ये बेसिकली लोग इसको रेनबो शार्क के नाम से भी जानते हैं। ये जो फिश है ये भी प्लांटेड में भी चल लेती है और जैसे एल्गी ईटर्स आप कह सकते हैं इसको,
ये एलगी टर होती है, लोच की वैरायटी है, तो काई वाई जो है वो आपके टंकी अच्छे से साफ करेगी। ये भी गोल्ड फिश में कंपैटिबल नहीं है, ये आपकी काप्स के साथ चल जाएगी और जो आपकी चिकलेट्स की वैरायटी होती है उनके साथ चल जाएगी। थोड़ा सा क्या होता है कि गोल्ड फिश को ये निबल करती है। इसमें एल्बिनो कौन सा होगा? जो एल्बिनो है वो ये जो व्हाइट कलर में येलोइश कलर में आपको क्रीम से कलर में आ रहा है ना, हाँ जी, और जिसका रेड फिन है, हाँ ये एल्बिनो है। और जो ब्लैक वाला है वो जो पूरा ब्लैक कलर का है और रेड कलर का टेल है, हाँ जी, ये वो है। इसका जो पेयर है वो 90 रुपीज पेयर है। अच्छा, दोनों कोई सी दोनों, हाँ, कुछ भी ले लीजिए, 90 रुपीज का पेयर। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अब एंटी गोल्ड सेक्शन में। तो बताइए कौन कौन से फिशेज है आपके पास? एंटी गोल्ड में एक हमारे पास येलो पैरट्स हो जाएंगे, हाँ जी, और एक रेड पैरट की वैरायटी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेज है और ये बड़े अट्रैक्टिव कलर्स में आती है, रेड में आती है, येलो में आती है, ग्रीन और ब्लू कलर भी आता है, बट वो ऑर्डर बेसिस पे हम लोग मंगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा कम हमारे पास बिकता है। बट जो अट्रैक्टिव कलर्स हैं वो येलो और रेड कलर है और ये दोनों ही हमारे पास आपको अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं। इनके प्राइस क्या? उनका जो प्राइस रहता है वो 600 का पेयर रहता है। कौन सा, रेड वाला? रेड वाला, और जो येलो वाला जो पेयर है वो 600 का है। अच्छा। और जो रेड वाला पेयर है वो 550 का पेयर है। और ये पूरा फुली इम्पोर्टेड होती है, ये बेसिकली सिंगापुर से हमारे पास आती है। इसमें मैं एक और फिश देख सकता हूँ, ये छोटी सी, एक ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न के नाम से है। एक ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये स्नेगल की वैरायटी है, लोग इसे कई लोग स्नेक के नाम से भी बोलते हैं हमें कि ये स्नेक है, स्नेगल की वैरायटी है, बट ये स्नेगल की वैरायटी होती है और ये भी लगभग 1 फिट का साइज हो जाता है। 1 फिट का ये कितने प्राइस में मिल जाएगा? ये 900 का पेयर होता है। 900 का जो प्राइजेज है वो साइज के हिसाब से रहते हैं। ओके। तो मैं कस्टमर से यही बात बोलूंगा कि जो भी साइज होता है हमारे पास आप प्लीज उसको देख, साइज देखकर प्राइस पूछा करें, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग ही रेट आता है हमारे पास। जैसे कि आप पैरेट्स में देखो, पैरेट में मेरे पास जो थोड़ा सा साइज बड़ा रहता है वो साइज हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। जैसे आप रेड पैरेट, येलो पैरेट में देखेंगे कि छोटे से जो बड़ा साइज पैरेट है वो उसका जो प्राइस है वो रिवर्स होके आपका 850 का पेयर हो जाता है। 850, हाँ जी। इसमें शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न, शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न है जिसका हल्का हल्का ब्लैक हो रहा है। अच्छा, ये येलो कलर बेसिकली पैरेट फ्लावर हॉर्न के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली क्रॉस ब्रीड है पैरेट की और फ्लावर हॉर्न की। अच्छा, इनका साइज कितने तक पहुंच जाएंगे? जो पैरेट्स है वो लगभग 10 इंच से 1 फिट का साइज हो जाता है। अच्छा। और शॉर्ट बॉडी का भी लगभग यही साइज रहता है। नेक्स्ट टैंक में आई थिंक ये ऑस्कर फिश है, तो कुछ बताना चाहेंगे? ये इम्पोर्टेड ऑस्कर है, इसको फायर ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। ये भी बहुत अच्छे कलर्स में रहती है और ये आपकी पैरेट्स के साथ भी कंपैटिबल है। एंटी गोल्ड की फिशेज है ये, थोड़ा सा फेरोशियस रहती है अपने खाने को लेकर और अपने ओरिजिन को लेकर, मतलब जैसे आप इसे रखते हैं, और ये बहुत अच्छे साइज में हो जाती है। कलर्स और साइज पे ये फिश बहुत ज्यादा वो रहती है। इसका जो पेयर है वो 900 का पेयर रहता है, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेड है, इस चक्कर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अभी कौन से साइज में अवेलेबल होंगे ये? अभी हमारे पास लगभग 5-6 इंच साइज में है जो 900 की कॉस्ट में है। अच्छा। बाकी साइज में छोटे भी आते हैं, छोटा साइज 400 से शुरू हो जाता है, 400, 600, 900 अकॉर्डिंग साइज के। काफी कस्टमर्स के क्वेश्चन आते हैं कि पैरेट और ऑस्कर काफी ज्यादा लड़ पड़ते हैं एक दूसरे को घायल करते हैं। देखिए, अगर आप कोई फिशेज डाल रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स को यही बात बोलते हैं कि अगर आप कोई फिश डाल रहे हैं और फिश को एक इक्वल साइज में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर छोटा ऑस्कर बड़ा पैरेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली लड़ेंगे। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आई थिंक ये चिकलेट टैंक है, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये चिकलेट फिशेज हैं, बेसिकली अफ्रीकन चिकलेट होती हैं। ओके। और ये भी पैरेट्स और ऑस्कर्स के ग्रुप की फिशेज है। ये भी बहुत ज्यादा फिरोशियस रहती हैं अपने ओरिजिन को लेकर, अपने कलर्स को लेकर। कलर्स ये बहुत अच्छा इनके पास कलर, जैसे येलो कलर आपको दिख रहा है अभी बनाना चिकलेट में, ये बनाना चिकलेट होता है। इसमें एक 5 कलर चिकलेट आता है, जो ये मतलब ये फिशेज बेसिकली कलर्स में बहुत अच्छी आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में मिल जाएंगी। अभी एक टैंक और है चिकलेट का, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चिकलेट टैंक बेसिक और इसमें ब्लू कलर बहुत अच्छे कलर्स में आती है। मतलब ये इनके प्राइसेस वगैरह क्या होंगे? ये 480 का पेयर है, ये लगभग 5-6 इंचेस का साइज रहता है और ये भी बहुत ज्यादा फिरोशियत होती है। इनका जो आप ये कह सकते हैं ग्रुप है वो पैरेट्स और ऑस्कर्स के साथ ही मैच करता है। जैसे कि टैंक देख सकता हूँ, काफी अच्छा आपने डेकोरेट किया है, मतलब इसका इंटीरियर काफी अच्छा देना, तो कुछ बताना चाहेंगे इस टैंक के बारे में? देखिए, ये भी चिकलेट्स की ही वैरायटी है। हाँ।
इसमें हमारे पास बाइकलर है और ब्लू कोटांगो है और स्ट्रॉबेरी है। ये बेसिकली टैंक जो है आप जैसा इंटीरियर में बनाना चाहेंगे। देखिए हमारे पास कस्टमर्स क्या आते हैं कि हमें ड्रिप फूड वाले टैंक चाहिए, जो ये ड्रिप फूड है, जो ड्रिप फूड है बेसिकली आप इसे प्लांट्री टैंक में भी लगा सकते हैं और इसको आप कोई नॉर्मल टैंक में भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक बादाम की लकड़ी होती है जो पानी का वाटर पीएच कंट्रोल में रखती है, जिससे आपकी फिशेस को प्रॉब्लम नहीं होती और डेकोरेटिव पर्पज पे भी आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि रॉक्स देख रहे हैं आप, ये डेड रॉक्स की वैरायटी है। ये जो होल रॉक है और डेड रॉक्स है, ये भी हमारे पास बल्क में अवेलेबल रहते हैं अगर आपको कभी भी चाहिए हो। आर्टिफिशियल प्लांट्स हो गए, नेचुरल प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स, सब आपको हमारे पास डेली में मिल जाएंगे। तो आपके आई थिंक एक्वेरियम एक्सेसरीज का एक अलग सेक्शन हम वीडियो जरूर बनाएंगे उसकी और अपलोड जरूर करेंगे। जैसे कि देख सकता हूँ कि सैंड जैसा आपने एक मॉड्यूल बना रखा है, काफी सुंदर है और इसमें कुछ सिकलेट्स की वैरायटी दिख रही है मुझे, छोटी सिकलेट्स है, तो कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए ये बेसिकली ना हम लोग हमारे पास बहुत वो करते हैं कि भैया मरीन एक्वेरियम लगाना है, मरीन एक्वेरियम लगाना है, तो इसमें हमने कुछ आपको मरीन टच दिया है। ये मरीन नहीं है बेसिकली, ये फ्रेश वाटर टैंक है, बट इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग रॉक्स वगैरह और सैंड, लाइव सैंड डाल देते हैं, जिससे कस्टमर को एक कम कीमत के अंदर एक मरीन टैंक की लुक आ जाती है। इस फिशेज में हमारे पास एक बहुत अट्रैक्टिव फिशेज है जिसको कहते हैं हम लोग फंटोसा चिकलेट, जो ये ब्लैक कलर में आपको दिख रही है जिसमें स्ट्राइप है। ये एक बहुत ही मतलब आप कह लो यूनिक फिश है और ये इसके जैसे फ्लावर हॉर्न फिश आती है उनके भी हेड निकलते हैं, इनका भी हेड निकलता है। मेल फीमेल आपको इसमें मिल जाएंगी, अवेलेबल रहती है हमारे पास, आप पेयर लेके डालिए और इनका ब्रीडिंग साइकिल बहुत अच्छा रहता है। ये आपके टैंक में अगर आप इसे अकेला रखते हैं तो ये ब्रीड भी कर सकती हैं। कितने साइज तक ये पहुंच जाती है? ये लगभग आपका 8 inches to 10 inches साइज हो जाता है। अच्छा, हाँ अभी क्या प्राइस में अवेलेबल? अभी ये जो साइज है हमारे पास ये 2.5-3 inch आप लेकर चले, ये 850 rupees का पेयर है। और ये दूसरी चिकलेट हमारे पास? दूसरा वाला जो चिकलेट है ये बाय कलर है, छोटा साइज है बाय कलर में, ये लगभग आपको ऐसे पड़ता है 320 का पेयर। 320 जी। तो देख सकते हैं शायद एक जाइन गुरामी है, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, ये जाइन गुरामी फिश है और ये फिश भी बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें आती है, कलर में आती है। बेसिकली ये वाइट कलर में ही ज्यादातर लोग इसे लाइक करते हैं और वाइट कलर में रेड आई जाइंट गुरामी कहते हैं इसको। ये भी आपकी पैरेट्स की वैरायटी की फिश है, पैरेट में, ऑस्कर में, चिकलेट्स में आप इसको डाल सकते हैं। और एक ये ऐसी फिश है, इसका नाम तभी जाइंट गुरामी दिया गया है कि इसे आप जितने मर्जी बड़े टैंक में रखें ये उतना बड़ा साइज हो जाएगा, मतलब इसका साइज का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि अभी आप मेरे डिस्प्ले टैंक में देखेंगे कि मेरे पास एक 6 साल पुराना मैंने अपना जाइंट गुरामी पाला हुआ है, वो भी आप उसे देखकर लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि भैया बहुत बड़ी फिश रखी हुई है आपने, उसका प्राइस पूछते हैं। बट उसका प्राइस हम लोग अभी कुछ रखा नहीं है क्योंकि अपनी पाली हुई चीज़ है, उसका कोई प्रो नहीं है। बट हाँ, अगर आपको जाइंट गुरामी चाहिए हो तो जाइंट गुरामी में आपको हम लोग ये साइज जो है अवेलेबल है हमारे पास, ये लगभग 8 inch साइज में है और ये 1200 रुपये का पीस है। 1200। हाँ जी। तो लोग कहते हैं कि काफी कुछ सब्जी वगैरह भी खा लेती है, तो ये हाँ, बिल्कुल, ये ग्रेप्स खा लेती है, वेजिटेबल्स में आपका मूली खा लेती है और सब कुछ खाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी। और ये ऐसी फिश है जो पानी से बाहर आकर अपना मुंह से निकलकर सांस लेती है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि फिल्ट्रेशन लगाना बहुत जरूरी है, ये आराम से रह लेती है। तो ये वो गुरामी है जिनकी आप बात करते हैं, 8 साल पुरानी, इसका साइज बता सकते हैं कितना होगा? इसका साइज लगभग 15 inches to 8 feet का साइज होगा और ये आपके हाथ के ऊपर बहुत अच्छा सेटल हो जाती है, मतलब जैसे आप इसको फिंगर वो करेंगे ये पहचानती है थोड़ा सा, अपने ओनर को पहचान लेती है। देखिए जैसे आप इसे देखते हैं कि पूरा ये हम लोग को पहचानती है। थोड़ा टैंक में थोड़ा एल्गी हो चुकी है बट आप देख नहीं पा रहे, बट कोई नहीं, स्टिल बहुत सुंदर फिश है ये और काफी, मैं तो कह सकता हूँ बहुत बड़ी फिश है ये। तो कितना साइज के टैंक चाहिए होगा एक घूमने के? आप अगर रखना चाहें तो ये लगभग 5 feet के टैंक में रहेगी, 5x2 के टैंक में। अच्छा जी। कुछ जाइंट गुरामी का हमारा एक छोटा सा साइज भी है, तो इसका प्राइस बता सकते हैं आप? ये 800 का साइज है, ये लगभग 5 inches to 6 inches साइज में है और मतलब ग्रामीज आपको हमारे पास स्टॉक में मिलती ही मिलती है, मतलब ग्रामीज मेरे पास बहुत अच्छा, क्योंकि बड़ा साइज है शॉप पर तो लोग देखकर उसकी डिमांड करते हैं, तो ये हमारे पास आपको रेगुलर
मतलब उसमें मिल जाएगी, मतलब इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप और कहीं लेंगे तो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, तो हमारे पास ये आपको रेगुलर मिलेगी। इसके अंदर ही आप एक और फिशेज देख सकते हैं जो स्पॉटेड जैसे दिख रही हैं। ये बेसिकली आपकी मॉलीज की जाइंट मॉली साइज है। इसका प्राइस क्या होगा? ये वाला जो है 90 रुपीज का पेयर है स्पॉटेड वाला। स्पॉटेड और जो व्हाइट वाली कोई भी ले लीजिए आप, इसमें व्हाइट ले लीजिए, स्पॉटेड ले लीजिए, ब्लैक है, सब एक ही साइज रहता है, एक ही प्राइस में। नेक्स्ट फिश जो हम कवर कर रहे हैं शायद ये फ्लावर हॉर्न, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये SRT फ्लावर हॉर्न है, आजकल लोगों को इसका बहुत क्रेज है। बट ये फिशेज बेसिकली क्या है कि अकेली रहती है, इसको और कोई फिश का कंपेनियन नहीं चाहिए, ये अपना अकेला रहती है। और ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ये चाइनीज फेंचुई की फिश है, जिसके आप इसमें देख सकते हैं इसके बैक पे एक वो बन रखा है, जैसे उससे ये पता लगता है कि ये चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है इनके ऊपर। अच्छा, तो ये बहुत लकी फिश है, मतलब लोग इसको बहुत लाइक करते हैं, बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं कि भैया हमें फ्लावर हॉर्न चाहिए। ये फेंचुई की फिश है और इसका पूरा हम्प आता है ऊपर, फ्लावर हॉर्न जैसे पूरा एक बॉल जैसा ऊपर हम्प बन जाता है, जो कि लोग और बेसिकली क्या है ये अपने मालिक को पूरा पहचानती है। देखो इसको हम लोग पूरा खिलाते हैं तो ये पूरा आपके पास पूरा वो करेगी जैसा आप इसे वो करेंगे। काफी एक्टिव फिश है। तो इसका प्राइस क्या होगा? ये 3000 से का प्राइस है, ये 6 inches का साइज है अभी। अगर इसी में आप छोटा साइज लेना चाहते हैं तो बराबर वाले टैंक में छोटा पड़ा है, ये छोटा साइज जो है ये भी SRT रेड ड्रैगन के नाम से आता है, कलर होते हैं बेसिकली। और ये साइज लगभग 2300 रुपए का रहता है, 2300। इसका 4 inches प्लस साइज है। अच्छा, मैक्सिमम साइज कितने तक पहुंच जाता है इनका? 1 feet से ऊपर साइज हो जाता है। तो देख पा रहा हूँ शायद अगले नेक्स्ट टैंक में हमारे पास एक कुछ लंबी सी एलिगेटर जैसी फिश है, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये स्पॉटेड एलिगेटर गार है, ये लगभग आपका 6 inches 7 inches साइज में है, ये 650 rupees में है, 30 अवेलेबल। 650 rupees 30 अवेलेबल। अच्छा, स्पॉटेड और नॉर्मल एलिगेटर गार मतलब क्या डिफरेंस? थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये जो स्पॉटेड होते हैं स्पॉटेड रहते हैं, बॉडी पे स्पॉट होते हैं जो कि बड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये फिश एक ऐसी फिश है जिसका साइज बहुत अच्छा हो जाता है, बट ये फिश जो है कुछ जब टाइम में बाद बड़ी हो जाती है तो ये सिर्फ सिंगल फिश रहती है, मतलब मॉन्स्टर फिश टाइप की है, काफी बड़ी हो जाती है साइज में, तो टैंक भी काफी बड़ा चाहिए होगा। उनको खाने मतलब क्या लगता है कुछ? बेसिकली इनको आप श्रिम्प दे सकते हैं खाने के लिए, और मतलब कई लोग इसको लाइव फीड करते हैं, हम लोग लाइव फीड तो नहीं करते हैं इसको, पर हम लोग श्रिम्प वगैरह देते हैं खाने के लिए, श्रिम्प से बड़ा अट्रैक्ट होके खाते हैं।